ये संविधान क्या है, इसके बारे में मैं दो मिनट के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ। ये संविधान, जैसे मैंने कहा, इस सामूहिक परंपरा पर आधारित है। इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? हम सब कहते हैं, हम नेता कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या है आम जनता के लिए, आप सब के लिए, मेरी बहनों के लिए, इसका मतलब क्या है कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं? इसको बचाने से आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगी? सबसे पहला तो ये है कि ये संविधान समानता की बात करता है, उसकी रक्षा करता है। इसका मतलब है, चाहे आप आदिवासी हों, चाहे किसी भी जात के हों, चाहे आप किसी भी धर्म को माने, चाहे आप किसी भी प्रदेश के हों, आपको देश की सरकार समानता की दृष्टि से देखे। देश के जो कानून हैं वो समानता की दृष्टि से बने रहें। सबसे पहली बात यह है कि अगर संविधान कमज़ोर है तो ये बात कमज़ोर होती है, तो सरकारों को, नेताओं को मौका मिलता है कि किसी को आगे बढ़ाएं, किसी को पीछे रखें, समानता की दृष्टि से न्याय ना हो। दूसरी बात यह है कि आप सबको अधिकार समानता से ही अधिकार मिलता है। मतलब अगर एक महिला का अधिकार है तो पुरुष का भी है, किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, प्रदेश के हों, आप सबको समान अधिकार मिले, ये भी संविधान में लिखा है। और सबसे बड़ी चीज कि संविधान सबको समान मौका देती है, देता है। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ काम करना चाहें, आप आगे बढ़ना चाहें, आप विकास चाहें आपके लिए, अपने लिए, रोजगार चाहें, कमाना चाहें, तो आपको भी उतना ही मौका चाहिए जितना दूसरों को मिलता है। इज्जत से जीने का मौका, अपने अपने धर्म को निभाने का मौका, अपने तौर तरीके से रहने का मौका, ये संविधान आपको देता है। संविधान को मजबूत रखने के लिए इस देश में मीडिया है, न्यायपालिका है और संसद है। इन तीनों से संविधान मजबूत रहता है। इन अगर ये तीन अपना काम सही ढंग से करें के मिलते हैं, आपको समानता अधिकार मिलता है। जब ये तीनों कमजोर होते हैं तो समान तरह से आपको न्याय नहीं मिलता, समान तरह से आपके अधिकार नहीं मिलते। और जैसे मैंने कहा, रोजगार, जो जीने का मौका मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता। तो आज की इस देश में प्रतिबंध हैं, इनको समझने की बहुत गहरी जरूरत है।